हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय IAS। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 67 BPSC जो कि कल हुआ था 30 सितंबर को, आज 1 अक्टूबर है और आपकी आंसर की रिलीज कर दी है। मतलब भाई साहब रैपिड फायर खेल रहा है इस वक्त आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, रैपिड फायर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन की पूरी आंसर की उन्होंने दे दी है आपको, और इससे आप लोग अपना मैच कर लें। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे, मैंने कल बोला था 99 से 102, ठीक इस रेंज में अगर आपके 99 हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 40 दिन बाद आपका आएगा, ठीक, और 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आखिरी एक्चुअली मेंस से पहले होता क्या है, जो मेंस से पहले के 50 दिन होते हैं उसमें आ जाता है प्रेशर 40-50 दिन पहले से ही, तो उसमें कुछ आप कुछ डीप पढ़ ही नहीं सकेंगे पाएंगे डीपली। तो उसको आप अभी से बेहतरीन टाइम आप अपना स्टार्ट ले लीजिए, रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। लेकिन 99 अभी आप देखिएगा, क्योंकि जब लोग इससे मिलाएंगे ऑफिशियल आंसर की से तो बहुत लोगों के मार्क्स कम होंगे, तीन चार मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जिनके भी 99 हैं, मैंने कल बोला था 99 से 102, लेकिन आप इसका ये वाला छोर पकड़िए, आप 99 अगर आपके हैं तो आप अपना मेंस के लिए आज की डेट से स्टार्ट कर दीजिए, कल भी नहीं आज की रात से ही स्टार्ट कर दीजिए, प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए कल से क्या पढ़ना है। नहीं पढ़िए कोई बात नहीं है, लेकिन आज रात में जो है प्लानिंग हो जानी चाहिए नेक्स्ट डे की, क्या क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट, GS, ऑप्शनल, हिंदी, ये एक रात पहले डिसाइड होना चाहिए क्या पढ़ना है कल, तब आपके कल अच्छा यूटिलाइज हो पाएगा। अगर आप कल डिसाइड करेंगे कल क्या करना है तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। रात में एक ऑब्जेक्टिव व्यू लीजिए कहाँ पे क्या कैसे करना है, और उस हिसाब से डिसाइड करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अभी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करूँगा बिहार PCS मेंस को लेकर।